लोकतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं, इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सबसे बड़े लोकतंत्र मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नव निर्वाचित मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर मैं संघ के मंत्री के रूप में तीसरी बार अपने कर्तव्यों का तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा प्रांगण में, तथा मैं भय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से या द्वेष सांसद के बिना बार चुन सभी प्रकार के लोगों के प्रति देशवासियों का संविधान और विधि के अनुसार अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है जो ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा लेकर अथवा मुझे ज्ञात होगा कि आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बार फिर ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। द मैन ऑफ द मोमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हु विल मेक हिस्ट्री इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ एज ही रिटर्न्स ग्रीटिंग्स ऑफ हिज कॉलीग्स ऑफ द कैबिनेट।